नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि यूएनएससी की 5 अस्थायी सीटों के लिए मतदान अगले महीने। जी हाँ दोस्तों, भारत को सीट मिलना है। बताएंगे पूरी खबर उससे आगे बताएंगे, जहां पर अमेरिका ने WHO से हटने का कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, और जाते जाते चीन का WHO कहकर जा रहे हैं दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नेपाल को लेकर जनरल VK सिंह का बड़ा बयान आया है दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर, साथ ही आपको लॉकडाउन से जुड़ी खबर बताएंगे कि क्या किस तरह की छूट मिल सकती है दोस्तों, और एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं या नहीं, और हर तरह के आपके डाउट चंद्र ग्रहण को लेकर सारी बड़ी खबरें, सारे बड़े स्कीम, सारी बड़ी योजना हम आपके लिए लेकर आए। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि UNSC की 5 अस्थायी सीटों के लिए मतदान अगले महीने होगा, भारत को सीट मिलना तय। जी हां दोस्तों, बता दें आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अपनी 5 अस्थायी सीटों के लिए अगले महीने नई चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने का निर्णय किया है, और एशिया प्रांत सीट के लिए इकलौता दावेदार होने के कारण भारत को यह सीट मिलना तय है। जी हां दोस्तों, महासभा ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूर्ण बैठक के बिना गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया संबंधित एक निर्णय अंगीकार किया। इस फैसले के अनुसार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव पूर्ण सत्र के बगैर जून 2020 में कराया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में भारत को सीट मिलनी तय है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका ने किया WHO से हटने का ऐलान और कहा कि संस्था पर है चीन का कब्जा। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त होने वाला अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा, और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन WHO को एक साल में $40 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में WHO को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। जी हां दोस्तों, WHO से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका WHO से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कदम उठाया दोस्तों WHO को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में ये कदम उठा दिया? और WHO को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सच में WHO चीन से कोई संबंध रखता है, जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि VK सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का है संबंध। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 2.0 का एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आयोजित आज तक के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह ने शिरकत की। उन्होंने नेपाल और चीन के साथ चल रहे हाल के मुद्दे पर भी चर्चा की दोस्तों। आपको बता दें, नेपाल के साथ जारी तनाव को लेकर VK सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, नेपाल के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी है, इसके साथ ही नेपाल के साथ हमारा धर्म का भी संबंध है। राजनीति से जो कुछ भी प्रेरित वहां हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। या दोस्तों, आप भी मानते हैं कि जनरल VK सिंह ने बिल्कुल सही बात कही है, हमारा नेपाल से धार्मिक रिश्ता भी है? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अगर नेपाल बदल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें चीन को लेकर ट्रंप प्रशासन हुआ सख्त, अमेरिका में कुछ चीनी छात्रों को प्रवेश पर लगा दिया गया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ट्रंप ने अब चीन के कुछ छात्रों को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के कुछ छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिका से बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए स्नातक छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिशों को खत्म करने के लिए
ये कदम उठाया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सही कदम उठाया ट्रंप ने? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें अमेरिका ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में उठाया हांगकांग का मुद्दा, चीन ने दिया मिनियापोलिस का हवाला। बता दें आपको दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात चर्चा में अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग पर चीन के विवादास्पद सुरक्षा कानून का मुद्दा उठाया, जिससे नाराज चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को इसके बजाय मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारियों पर अमेरिका के अत्यधिक बल प्रयोग और अश्वेत समुदायों के खिलाफ भेदभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से वार पलटवार चल रहा है देशों के बीच में। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताते बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए भेजा रोहित शर्मा के नाम का प्रस्ताव, ईशांत धवन और दीप्ति का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विस्फोटक बल्लेबाज और वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा का नाम खेल रत्न के लिए प्रस्तावित किया है। रोहित शर्मा के अलावा ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्ताव के तौर पर भेजा गया है। कोरोना की वजह से इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया करीब एक महीने की देरी से शुरू हुई थी। मई के पहले हफ्ते में शुरू की गई इस प्रक्रिया के लिए 3 जून की आखिरी तारीख तय की गई थी। दोस्तों ऐसे में आप क्या मानते हैं कि बिल्कुल सही खिलाड़ियों को चुना गया है अवार्ड के लिए, या किसी अन्य और खिलाड़ियों को चुनना चाहिए था? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताते लद्दाख सीमा तनाव पर पहली बार बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन से चल रही है बातचीत। जी हां दोस्तों, बता दें आपको लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच करीब एक महीने से जारी तनातनी पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रक्रिया आई है। रक्षा मंत्री ने शनिवार को कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ये पहली बार है जब शीर्ष स्तर से LAC पर भारत चीन टकराव पर कुछ कहा गया है। आपको बता दें राजनाथ सिंह ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि दोनों देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे समस्या का समाधान चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र मौजूद है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे राजनाथ सिंह की बात को लेकर? क्या राजनाथ सिंह को और भी कुछ कहना चाहिए था दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें अनलॉक 1 में अब बिना पास के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की छूट मिल गई है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5 जून से 30 जून तक रहेगा, जिसको लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप मानते हैं सही कदम उठाया गया तो बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें स्कूल, मेट्रो, रेस्टोरेंट जानिए कब खुलेगा, और 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 फेज में शुरू होंगी गतिविधियां। जी हां दोस्तों, सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को जिस तरह से 30 जून के लिए बढ़ा दिया गया, जैसा कि हमने आपको पिछले न्यूज में बताया, और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां को शुरू किया गया है। आइए देखते हैं कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किन किन गतिविधियों की इजाजत होगी और किस पर प्रतिबंध होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फेज 1 की अगर हम बात करें तो 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाएगा, इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से SOP जारी की जाएगी। अगर हम फेज 2 की बात करें दोस्तों, तो वहां पर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। और लास्ट अगर हम फेज 3 की बात करें दोस्तों, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम को फेज 3 में खोला जाएगा। हालांकि इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें नाइट कर्फ्यू का समय भी बदल गया है। अब देश में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। दोस्तों अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी, जबकि पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का था। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने जो ये लॉकडाउन 5 को लेकर ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 एक चरणबद्ध तरीके से चीजें लागू की है, इसका अगर आप समर्थन करते हैं दोस्तों दिल से, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, और कहिएगा कि हम समर्थन करते हैं। और जो नहीं करता है दोस्तों, वो कृपया करके कारण जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर बता दें आपको अच्छी खबर आ रही है, अक्टूबर तक तैयार हो
सकती है कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर आपको बता दे WHO पर ट्रंप के फैसले से जर्मनी है मायूस। G7 सम्मेलन में नहीं जाएंगी एंजेला मार्केल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से संबंध तोड़ने की धमकी देने वाले अमेरिका ने अपनी धमकी को सही करके दिखाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये फैसला WHO के लिए झटका तो है ही, लेकिन इसी बीच जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल G7 सम्मेलन में भाग नहीं लेंगी, जिसे अमेरिका आयोजित करने जा रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो G7 सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे एंजेला मार्केल को लेकर? चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें स्थिति का आकलन करने के बाद जुलाई में लिया जाएगा स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से आदेश है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें योगी सरकार ने कहा है कि 30 लाख मजदूर यूपी लौटे, सबको राज्य में ही काम देने का लक्ष्य है हमारा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आयोजित आज तक के खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रवासी कामगारों की समस्याओं के निराकरण और उनके समायोजन के लिए एक आयोग गठित किया है। इसके साथ ही उद्योगों का सर्वे करने, उनके संगठनों से बात करके रोजगार की गारंटी को आगे बढ़ाया है। कल ही हमने कई संगठनों के साथ MOU किया है। 11 लाख लोगों को समायोजित किया जाना है। इनके जॉब की पूरी गारंटी हम ले रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग लगातार चल रही है। इनकी जहां जरूरत पड़ेगी उनको उन्हीं के स्किल के अकॉर्डिंग हम उनको रोजगार देंगे। दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार के बारे में कि योगी सरकार बिल्कुल अपने मजदूरों, अपने प्रवासी मजदूरों और राज्य के नागरिकों के लिए सोच रही है? और क्या आप दोस्तों योगी सरकार से संतुष्ट हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जी का एक और बयान, जहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आपदा में भी बसों के नाम पर किया है फर्जीवाड़ा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात कही है योगी सरकार ने। आपको बता दें कि बस विवाद से जुड़े मुद्दे पर बात करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इससे बड़ा फ्रॉड और फर्जी तरीका कोई और नहीं हो सकता है। देश ने एक बार फिर कांग्रेस के फर्जीवाड़े को देखा है। मुझे अफसोस है कि आपदा के समय में भी कांग्रेस की फर्जीवाड़ा करने में शर्म नहीं आई। यानी जहां पर एक एक कामगार की सकुशल और सुरक्षित वापसी आवश्यक थी, वहीं पर आपने देखा होगा कि 294 बसें ऐसी थी जिनका फिटनेस नहीं था या फिर इंश्योरेंस नहीं था, फिर दोनों ही नहीं थे। तो दोस्तों ऐसे में योगी सरकार ने कांग्रेस को घेरा अपनी बातों से। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या सच में कांग्रेस सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी? दोस्तों मजदूरों को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि सरकार के 6 साल शानदार, 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बदला। जी हां दोस्तों, बता दें आपको अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल को 1 साल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मोदी सरकार 2014 से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। अच्छे कामों की बदौलत ही 2019 में फिर जनता के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि देश की तरक्की को 3 बिंदुओं पर देख सकते हैं। पहला, मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। दूसरा, अर्थतंत्र को एक धारा में लाने की कोशिश की गई है। इस कड़ी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, भारत की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत को गौरवशाली बनाने का काम किया है। ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह ने बिल्कुल सही बात कही है मोदी जी को लेकर? अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि नई खबर आ रही है कि मोबाइल नंबर 10 के बजाय अब होगा 11 अंकों का। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। ट्राई ने क्यों दिया ये सुझाव बता दें आपको। बहुत जल्द आपका 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर अब 11 अंकों का हो सकता है। ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने दिया है। दोस्तों ट्राई ने शुक्रवार को फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधन सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव जारी करते हुए कहा है कि रेगुलेटर मोबाइल नंबरों के मामले में अब 10 के बजाय 11 अंकों का नंबर होना चाहिए। ट्राई ने सिफारिश की है कि सरकार को देश में ग्राहक आधार में अपेक्षित ग्रोथ को पूरा करने के लिए फिक्स्ड लाइन और मोबाइल नेटवर्क के लिए एक नई राष्ट्रीय नंबरिंग योजना लानी चाहिए। तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 नहीं बल्कि 11 नंबर के लिए लालान्वित है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना से माइक्रोसॉफ्ट पर भी पड़ा है असर। जी हां दोस्तों, 50 से अधिक एडिटोरियल स्टाफ को कर दिया उन्होंने बाहर। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि अब जल्द कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। श्राइन बोर्ड ने कर ली है यात्रा की तैयारी। जी हां दोस्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी
रही है। निकट भविष्य में यात्रा शुरू करने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP तैयार कर ली है। हालांकि शुरुआत में माता के दर्शन की सुविधा सिर्फ जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं के लिए ही शुरू की जाएगी, जिसे बाद में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मामले को फिलहाल केंद्र सरकार की अनुमति के मिलनी बाकी है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करना चाहेंगे, दोस्तों वहां जाकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा हमें जरूर। दोस्तों चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार में चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा प्रवासी मजदूरों का पलायन। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रवासी मजदूरों की देखभाल को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। इस पर जब राजनाथ सिंह से प्रश्न पूछा गया तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार की सरकार प्रवासी मजदूरों की चिंता कर रही है और मजदूरों की देखभाल की जा रही है। कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती है कि हम फुल प्रूफ हैं, लेकिन किसी की नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठेगा क्या बिहार में या नहीं उठेगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें 5 दिन बाद लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, जाने कब है सूतक काल और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बता दें आपको जून महीने में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इसमें पहला ग्रहण 5 दिन बाद लगेगा और दूसरा 21 जून को। 5 जून को चंद्र ग्रहण है, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। जी हां दोस्तों, जून में लगने वाले ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। 5 दिन बाद लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। वहीं 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में दिखाई देगा। आपको बता दें दोस्तों, 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण 3 घंटे 18 मिनट का होगा। यह एक पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें आमतौर पर एक पूर्ण चंद्रमा के अंतर करना मुश्किल होगा। इसका समय दोस्तों 11:30 बजे रात को। यह चंद्र ग्रहण 5 जून को रात 11:15 बजे से शुरू होगा और रात 12:54 बजे इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा और 6 जून 2:34 बजे समाप्त हो जाएगा। वहीं 21 जून की अगर हम बात करें तो 9:15 सुबह शुरू होगा और 12:10 पर अधिकतम ग्रहण दिखाई देगा दोस्तों, और दोपहर 3:04 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी प्रक्रिया को अपनाते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा और हो सके तो कम से कम 2 गरीब लोगों को खाना जरूर खिला दीजिएगा। धन्यवाद।